नमस्कार, हमारे साथ हैं दिव्य प्रकाश दुबे भैया। आप आपकी दो किताबें, तीन किताबें पहले आ चुकी हैं, मुसाफिर कैफ़े, मसाला चाय और शर्तें लागू, जिसमें से मुसाफिर कैफ़े और मसाला चाय बेस्ट सेलर रही। आप प्रेम पे लिखते हैं, तो आप क्या, किस तरीके से आप प्रेम दिखाना चाहते हैं, क्या आपके लिए प्रेम क्या है और आप उसको कैसे वर्णन करेंगे? नहीं, वैसे तो मैं सारी किताबें प्रेम पे नहीं है, लेकिन प्रेम बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है, कम से कम मुसाफिर कैफे में तो रहा है। मसाला चाय की कहानी ऐसी नहीं थी कि सब लव स्टोरी हो, लेकिन मुझे लगता है जैसे कि मेरी कहानियाँ इस बात से डील करती हैं कि हर कोई जैसे अकेलेपन में जो सोचता है, जो समझता है, और हर अकेला आदमी भी अपने आप में समाज होता है, तो उस बारे में होती है। जैसे मुसाफिर कैफे हर किसी के पास, हम लोगों को अगर आज एक बैकअप प्लान हो कि सब छोड़ के इंदौर छोड़ के जाना, हर किसी को पता है कि उसको जाना कहाँ है। बात यह है कि हर आदमी वो जाने, तो मेरी कहानी उस तरीके की फीलिंग से डील करती है। अब रास्ते में प्यार मिल जाए तो ठीक, रास्ते में ठोकर मिल जाए तो ठीक, जो भी मिलेगा वही होता है, और फिर कहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है उसके बारे में कहानी। आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी नए लेखक लिख रहे हैं वो सिर्फ प्रेम पे लिख रहे हैं, प्रेम के ऊपर लिख रहे हैं, और मतलब जैसे निरुत्पल जी से बात की थी तो उन्होंने बताया विषय नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि विषय नहीं है, सिर्फ प्रेम पे लिख रहे हैं, और जैसा भैया बोलते हैं कि कैंपस पे लिख रहे हैं, कैंपस प्रेम हो बस यही बचा जो इश्क मोहब्बत, और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या आपका समाज में क्या चल रहा है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, वो उससे कोई मतलब नहीं। इवन कैंपस में भी सिर्फ प्रेम तो नहीं होता, बहुत कुछ होता है आपके एक कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस में, तो वहाँ कैसा क्या चल रहा है, तो उस बात उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या? नहीं, मेरे को लगता है जैसे इसमें गलती सत्यव्यास और निखिल सजान की है, जैसे उन्होंने लिखा, उनका एक अपना टेक है। जैसे मैंने एक कैंपस की इकलौती एक कहानी लिखी है, जिसमें मैंने कहानी प्लेसमेंट की लिखी थी, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ और हमारे यहाँ प्लेसमेंट नहीं होता, तो उसकी पहली कहानी की लाइन थी फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो हज़ारों कुकुरमुत्री की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज खोल गए, उसकी पहली लाइन थी कि जैसे IIT में एडमिशन होना बहुत बड़ी बात है और प्लेसमेंट हो जाना बहुत छोटी बात है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाना बहुत छोटी बात है और प्लेसमेंट हो जाना बहुत बड़ी बात है। अब ये हमारे समय 20 लाख लोग इंजीनियर बनते हैं हर साल, उसमें से 1.5 से 2 लाख लोगों की नौकरी, तो एक कहानी उस बारे में, तो उसको आप कहीं ना कहीं कैंपस में, मैंने वो जो रेगुलर उसका ट्रोप है कि आप कहानी में घुसोगे तो रैगिंग होगी, तो वो सब तो नहीं दिखाया, लेकिन ये कोशिश की। लेकिन मैं ये तो बिल्कुल ही नहीं मानता कि सब्जेक्ट नहीं है। मैं थोड़े दिन पहले मुंबई में, आप लाइफ में आपका सब्जी वाले से लेके ऑटो वाला जैसे घुसा, एक दिन मैं गाते हुए गुनगुनाते हुए, तो उसने मेरे को टॉन्ट कर सकता, अरे इंडियन आइडल में ट्राई क्यों नहीं करते? मैंने कहा यार मेरी इतनी अच्छी आवाज़ थोड़ी ना है। फिर उसने मेरे को बोला कि आप ये हिंदी में एक सेंटेंस है, इसको अंग्रेजी में बता दीजिए। अब उस सेंटेंस जो था उसका मतलब ये था कि मैं तुम्हारा बहुत इंतज़ार करता हूँ और तुम जल्दी से आ जाओ। तो मैंने कहा अंग्रेज़ी में मैंने करके दे दिया। मैंने कहा तुम किसके लिए ये कर रहे हो? उसने बताया कि सर एक लंदन में मैडम रहती हैं, वो जब आती हैं तो मैं उनको कार्टर रोड पर बैंड्रा घुमा देता हूँ, और मैं लंदन जाना चाहता हूँ तो मैं उनसे अंग्रेज़ी में बात कर पाऊँ, इसलिए मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम सीख क्यों नहीं रहा? कहता सर फीस बहुत ज़्यादा। तो मेरा एक दोस्त सिखाता था अंग्रेज़ी 150-200 रुपये महीने में, तो वहाँ पे जो कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, तो मैंने उसका नंबर दिया। उसका 3-4 महीने बाद जब कोर्स ख़त्म हुआ तो उसका फ़ोन आया और कहता सर मैं लंदन जा रहा हूँ। अभी अपने आप में कितनी बड़ी कहानी, हम लोग ये कोशिश करते हैं और ऐसा। और ये जैसे जब मैं उतरा ऑटो से, जब उसने पैसा दिया तो उसने मेरे को बोला हैव अ नाइस डे सर, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये कहानियाँ तैर रही हैं हमारे आसपास, बात ये है कि हम कितना पकड़ पाते हैं, है ना, कहानियाँ बहुत। तो ऐसा सब्जेक्ट तो आप एक बार आँख उठा के देखें, हिंदुस्तान में तो सब्जेक्ट की कभी हो ही नहीं सकती है कि ज़िंदगी इतनी गड़बड़ है और वैसा है। तो वाली अच्छा, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता था कि जो आपकी जो पुस्तक है वो बेस्ट चल रही है, तो और आमतौर पर अभी शिकायत ये है कि पुस्तकें कम पढ़ी जा रही हैं या पुस्तकों की बिक्री कम हो गई है, सोशल मीडिया का उसके ऊपर बड़ा प्रभाव दिख रहा है, तो आपको कैसा लगता है कि चूँकि आपकी पुस्तक बेस्ट सेलर हुई रही, तो ये एक संभावना बन रही है कि नहीं किताबें तो पढ़ी जा रही हैं, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं सर, जैसे हम लोग का भी जो चैलेंज है पुस्तकों को लेके, जैसे हमें खुद आप देखिए मोबाइल, 10 मिनट हम बैठते हैं कहीं पे और 10 WhatsApp ग्रुप के मैसेज आते हैं, कहीं कोई ऑफिस का ग्रुप होगा, कुछ फैमिली का, कुछ तो आप अवॉइड कर सकते हैं, कुछ कॉलेज के ग्रुप होंगे। हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज ना जो ये इंटरनेट है ना, ये है क्योंकि उसने हम लोगों को बोर होने की जो फुर्सत थी ना उससे हटा दिया। तो किताबें बढ़ रही हैं, बिक रही, क्योंकि लोग बोर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दुनिया में, तो उनको वो भी एक स्केप है उनके लिए, और धीरे धीरे ये कोशिश है उसमें कि आपकी किताबें ऐसा तो नहीं है ना कि इतनी बिक रही हो कि हम केवल किताब लिख के घर चला पाए, बिक रही हैं क्योंकि उनको एक नई चीज़ मिली होगी, हम उनकी दुनिया लेके आए, जो व्हाट्सएप से उनको मिल रहा था, जो उनकी इमेजिनेशन थी, इस नई दुनिया की बात थी। अब जैसे IAS PCS की तैयारी कितने दिनों से लोग कर रहे थे, और मैंने बहुत जैसे बहुत पहले से, लेकिन जैसे ही निलोत्पल ने लिखा तो एकदम से वो आपको अंदर तक छूती है ना बात कि हमारी कहानी, और हमेशा जो पढ़ने वाला या जो
कंज्यूमर होता है उसका एक तरीके से, अगर पाठक को माने कंज्यूमर, हमेशा हर कोई अपने बारे में सुनना चाहता है, कोई दूसरे के बारे में नहीं सुनना चाहता। तो ये चीज़ हम लोगों ने पकड़ ली, हम कुछ चीज़ें छू लेते हैं और जिसकी वजह से बिकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत संभावना है। ऐसा दिन मतलब हो कि हम और नृत्पल ऐसे ही बैठे हों कहीं पहाड़ पे और अपना आराम से बैठ के हम बात कर रहे हो कि हाँ अगले 3 साल में लिखेंगे।